सागर के नेशनल हाईवे 44 पर रफ्तार का ऐसा कहर देखने को मिला जिसमें एक किसान का लाखों का नुकसान हो गया। बांद्री थाना क्षेत्र के तहत आने वाले ग्रंट गांव के पास ट्रॉली को बचाने के चक्कर में कंटेनर अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से वह हाईवे किनारे एक मकान में टकरा गया। इस मकान के पास रखे ट्रैक्टर ट्रॉली थ्रेसर अल्टो कार पाइप सहित अन्य सामग्री पूरी तरह से चपेट में आ गई, तो वहीं मकान में भी दरारें आ गई। घटना के समय मकान के दूसरे कमरों में और भी लोग मौजूद थे। ग्रांट गांव के किसान लखनलाल ठाकुर के साथ यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद उनका पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने बताया कि घटना के समय वह छत पर ही थे, इसमें वह बाल बाल बच गए, लेकिन चंद सेकंडों में ही उनका लाखों का नुकसान हो गया है, जिससे वह भी सड़क पर आ गए। एक तरफ जहां मौसम बदलने की वजह से फसलों की कटाई थ्रेसिंग और अन्य चीजों की चिंता है, तो दूसरी तरफ इतना बड़ा नुकसान हो गया है, अब इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। उनका कहना है, अब तो मैं सड़क पर ही आ गया हूँ। माने रोड पे था, भूसा लेके जा रहा था, वो बाद में पे यहाँ पे उसको भी मारा। घर हम मकान पे सो रहे थे छत पे, तो वहाँ दो फुट का अंतर रहा ना, हमारा हादसा हो जाता। और नीचे बने थे दूर बचे, उसमें सार खाली थी, उसमें दूर बचे भी नहीं थे। खेती पाती किसी पाइप माइप भी मिटक गया। और क्या हानि हुई? और ट्रैक्टर मैक्टर सब सामान मिट गया, खेती पाती का ट्रैक्टर जीप वगैरह सब। और हमारी पूरी खेती डली है, फिर सड़क डली है, पूरा ट्रैक्टर मिट गया। माना हमारा हम तो मेन नाम हो गया, बिल्कुल रोड पे आ गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सर आप क्या चाहते हैं? हम तो नुकसान चाहते हैं, हमारा ट्रैक्टर थ्रेसर चाहते हैं, जो हमारी खेती कर सके और हमारे बाल बच्चों को भरण पोषण कर सके। बता दें, बांद्री थाना क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते में यह चौथा हादसा है। अलग अलग हुए हादसों में चार लोगों की जान भी जा चुकी है। सुबह 4 या 5 बजे के करीब की बात है, ग्रंट के पास में लागन सिंह ठाकुर के यहाँ पे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर से टकराया, बाद में उनके घर में घुस गया, जिससे उनकी कार और ट्रैक्टर थ्रेसर का नुकसान हुआ। सर कोई जनहानि किसी की नहीं हुई है, किसी को ना चुकी हुई है। सर नुकसान कितने का हुआ? बोले नुकसान तो उसका वैल्यूएशन करके पता चलेगा, अभी तो नहीं बता सकते कितना नुकसान हुआ है। सर इसमें कोई ट्रक है, चालक है, फरार है सर या फिर? फरार नहीं है, ट्रक चालक है, वहीं पर उपस्थित है, ट्रक मालिक भी आ गए हैं। सर क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? कार्रवाई जो भी सतर्क धाराओं में कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। एफ आई आर लेके अभी उनको मौके पर वहीं चौकी पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर कार्रवाई चालू कर देंगे। एक ट्रक वाला आया, हम लोग सभी घर पर सो रहे थे, और ये आया तो इसने मार दिया। वहाँ जीप रखी थी, ट्रैक्टर रखा था, थ्रेसर रखी थी, और भी ये आया तो सीधा उनको कुचलती हुई और मकान में ढला। कितने बजे घटना है ये करेक्ट? 4 बजे की सुबह। सुबह 4 बजे। तो क्या क्या हानि हुई आपकी? हमारी जीप खत्म हो गई, ट्रैक्टर खत्म हो गया, थ्रेसर खत्म हो गई, मकान क्षतिग्रस्त, दोनों मकान टूट गए, पाइप भी मिट गए, मकान ही मिट गया, पाइप वाइप वगैरह जी सब रखा था यहाँ, सब खत्म हो गया। हमारी खेती का पूरा काम डला है सर। और ये भाई साहब, अगर कहीं ये दिन में हादसा हुआ तो बहुत बड़ी घटना होती, क्यों हमारे बच्चे और भाईचारे ने जी कितना नुकसान हो जाता, कितनी बड़ी घटना घट सकती थी। जब घटना हुई थी आप इस समय पे कहाँ थे? घटना जब हम लोग भाई साहब थे, यहीं सो रहे थे, बिल्कुल ट्रक के ही पास में, वो तो बहुत गनीमत भाई, दो तीन फुट को अंतर रहा। क्या चाहते फिर आप? अब तो हम तो ये चाहते कि अब जैसे ट्रैक्टर है हमारा वो मिट गया, और ट्रैक्टर जो है अब तो हम वो चाहते कि हमारी जमीन डली, पूरी खेती डली है, अब थ्रेसर के लिए डली सारी चीज की, तो हम तो ये चाहते हैं कि अभी हमारा नुकसान मिल जाए, ट्रैक्टर अभी मिल जाए या उसका हाँ नुकसान मिल जाए कुछ। शिकायत आपने कहाँ की? रजवास चौकी।
सागर टीवी न्यूज़ के लिए योगेंद्र सिंह गौर की रिपोर्ट।